सभी भाइयों को जय माता की। आज जो हम एक टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही कीमती है आपके लिए। हम नहीं चाहते कि आपके साथ गलत हो। हमने जितने भी अभी तक वीडियो बनाए एक सही मार्ग दिखाने के लिए, नहीं हम चाहते कि आप हमारे चैनल से गलत राहों में भटके। इसलिए मैं ये टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ कि ताकि आप लोग समझें। आज हमारा इसी संगीत से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है और इसे आपको समझना है। देखो, जो लोग हमारे वीडियो से मजाक बना देते हैं या उन्हें लगता है कि हमारा वीडियो मजाक है, तो फिलहाल मैं उनसे तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, उनसे मैं हाथ ही जोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर वाकई में जो लोग हमारे चैनल से दिल लगाकर मन लगाकर सीख रहे हैं, ये उन सब के लिए कर रहा हूँ, तो उनके साथ धोखेबाजी वाला काम नहीं करना चाहते। इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, जो भी हमारे चैनल से विश्वास करते हैं और हमारे चैनल से एक उन्हें एक लगाव हो चुका है और वो चाहते हैं कि हमारे वो चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हैं, एक विश्वास जिसे कहते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। भाइयों, अगर आप म्यूज़िक फील्ड में हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रहे कि संगीत रटने से पहले, संगीत सीखने से पहले आपको सबसे पहला कार्य है वो कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए, जिसको कहते हैं एक संगीत की साधना। संगीत की साधना का मतलब परिस्थितियों से टकराना। राहों में पत्थर आ जाते हैं, उनको साइड करके निकल जाना, मेहनत करना, तप करना, ये सब चीजें जब आप कर पाएंगे तभी आपको संगीत आएगा। खुली शब्दों में बात कर रहा हूं। अगर आप सब ये नहीं कर सकते तो म्यूजिक से दूर हो जाइए, मत सीखिए म्यूजिक। अगर आपको म्यूजिक से मजाक करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सीरियसली अगर आपको सीखना है तो तब तो करना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि किसी ने सीखा नहीं इतना अच्छा गाता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये जो संगीत है हमारा, इसकी जो अलंकार दिए जाते हैं, सरगम दिया जाता है, सब कुछ जो भी संगीत में दिया गया है, हम जब स्टार्टिंग करते हैं तो हमें इन्हीं का तो तप करना होता है, इन्हीं पर रियाज, इसको रियाज कहते हैं, इसे तप कहते हैं। तब माता सरस्वती आपकी सुनती हैं और तब आपको एक संगीत की विद्या देती है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझना ही नहीं चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन जो समझना चाहते हैं मैं उनके लिए काम करता हूँ। तो याद रहे कि आपको तब तो करना ही पड़ेगा अगर एक अच्छा गायक बनना है। मैं आपको बता दूं, अब सवाल यहाँ पर ये भी उठ जाता है कि मैं कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ। मैं अपने से आपको समझाना चाहता हूँ भाइयों, जब मैंने स्टार्टिंग की थी मेरी वैल्यू जीरो के समान थी। मुझे ना कोई जानता था ना मुझे कोई पहचानता था। जब रियाज करता था पागल बोला जाता था, बहुत सारी चीज़ें जो झेल कर आ रहा हूँ। इसी प्रकार आपको भी लोगों की काफ़ी सुननी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ही। कोई पागल कहता कुछ भी कहता, सुनते रहो, पर करो क्या, रियाज, सिर्फ रियाज, प्रैक्टिस, रियाज प्रैक्टिस। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने भी तप किया है और मैंने तप करते 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 आज मैंने उस लायक मुझे बनाया कि मैं आप लोगों को समझा पाता हूं। आज मुझे लोग जो जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, वो क्या है, वो तप का ही मजा है। कल सुपरस्टार भी हो सकते हैं, लेकिन तप
नहीं छोड़ रहा है, तब होंगे। तो हमें तो दिख रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमें आगे के जो रास्ते हमारे खुल रहे हैं और मैं चल रहा हूँ। इसी प्रकार जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपके रास्ते बंद होंगे, धीरे धीरे ही खुलेंगे। और जब आप धीरे धीरे तब करते रहेंगे तो आपके दरवाजे पुनः खुल जाएंगे। आपको एकदम से लगेगा कि हम ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, और आपको अंदर से अनुभव होगा, एकदम आभास होगा कि मैं बहुत कुछ सीख पा रहा हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में तो नहीं आभास होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये सब क्या है, बोरिंग लगेगी, पर उसे इग्नोर करना है, आपको करना ही करना है। ये सब करिए, देखिए कितना मज़ा आता है। इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब आप नहीं कर सकते तो फिर आप म्यूजिक मत सीखिए, फिर आप गाना सुन सुन करके बस एक छोटे से स्टेज पर गाने की कोशिश करिए। कोशिश करते करते हो सकता है कि आप वहाँ तक पहुँच जाएँ। लेकिन एक अच्छा और असली ज्ञान पाने के लिए संगीत में तपना बहुत ज़रूरी है, साधना करना बहुत ज़रूरी है। यही बातें आप सभी के बीच शेयर करने के लिए आता हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि मेरे उन सभी भाइयों से, उन सभी बहनों से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहनी है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये मैं बता दे रहा हूँ कि यूट्यूब पर आप बहुत सारी चीज़ें लोग डालते हैं, सीख सकते, इतना नहीं सीख सकते जितना कि आपको एक सीखना चाहिए। क्योंकि आप रियाज करने लग जाते हो, किसी चीज़ को देखते हो अब लग जाते हो, अब आपको नहीं पता कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। इसलिए एक गुरु होना आवश्यक है। आप अपने आसपास किसी को भी गुरु मानिए, पर एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। और भले ही वो तो थोड़ा बहुत चार्ज लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन वैसे जो रियाज है वो बिना गुरु के मत सीखिएगा। क्योंकि वो जो आपकी जड़ है वो तो मजबूत है, बननी ही है। अगर वो नहीं बनेगी तो फिर आगे कैसे सीखेंगे। तो जड़ को मजबूत करने के लिए एक ऐसे गुरु का सपोर्ट लीजिए जो आपको गाइड कर पाए, आपको एक एक बारीकों पर काम करा सके। ये होना बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ लोग सारे गामा स्टार्ट कर देते हैं, क्या पता आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो वैसे जो हमारा रियाज है वो जैसे ओम हो या सा हो या सरगम है। और मेरा ये कहना, अगर कोई ऐसा टीचर भी है उनसे भी मेरा ये कहना है कि एक अच्छा टीचर जब भी रियाज कराएगा तो वो पहले अपने स्टूडेंट को उस स्वरों पर आवाज़ मिलाना सिखाएगा, उसकी जो आवाज़ है एकदम मैचिंग कराएगा। आवाज़ मिलाने के बाद धीरे धीरे आपको स्वर की नॉलेज होने लगेगी, धीरे धीरे उतार चढ़ाव समझ में आएगा। इस प्रकार जब आप 2-4 महीने अपने गुरु से सीख लेंगे तब आगे आपको बहुत आसान हो जाएगा। जब भी आप कोई वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर आपको जल्दी से समझ में आएगा, क्योंकि संगीत की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो आपको वैश्विक में ही सीखने को मिलेगी। और जब तक वो भाषा आपको नहीं पता होगी तो आगे आने वाले वीडियो आपको जल्दी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए एक गुरु होना बहुत आवश्यक है। किसी को भी बनाओ, जैसे यूट्यूब पर मैं देखता हूँ लोग डाल देते हैं बिना गुरु संगीत कैसे सीखे, सब फ्रॉड यार। इन सब की अगर मानोगे तो अपनी ज़िंदगी को नरक कर ले जाओगे। ऐसा नहीं होता, हर काम एक गुरु से होता। मैं भी विश्वास नहीं करता था, मैं काफ़ी साल भटका हूँ। मैंने कहा कि गुरु से क्या होता है, हम मेहनत करेंगे ना, हम तो खुद ही कर लेंगे। लेकिन मैंने यूट्यूब पर स्टार्टिंग में मैंने साल भर बहुत बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो देखी, पर मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया। लेकिन मैंने वैसे जब स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद मैंने 2 साल जब मेहनत उसमें की तब मुझे समझ आने लगा था। इसी प्रकार आप सभी को करना है। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। जय माता की।